हाल ही में कोबरा पोस्ट ने एक पेड मीडिया पे बड़ी तहकीकात की और इस तहकीकात में दर्जनों न्यूज़ चैनल्स, रेडियो चैनल्स और एफएम स्टेशंस, वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट्स और न्यूज़ पोर्टल्स, इनका एक बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरह से पैसे लेकर वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एक एजेंडा चला रहे हैं किसी खास पार्टी के लिए, किसी खास संगठन के लिए। इस तरह की चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है कि वो कुछ भी चलाने को राजी हो जाते हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो मीडिया में एक पुराना नाम है, राजेंद्र त्यागी जी। उनसे जानते हैं कि कोबरा पोस्ट ने जो तहकीकात की है वो इस तहकीकात को किस तरह से देखते हैं और किस तरह की चीज़ें निकलकर सामने आई हैं, और जो मीडिया का एक चेहरा निकलकर सामने आया है जिस मीडिया पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, कि क्या वही मीडिया जिसे आप एक बड़े विश्वसनीय तौर से देखते हैं, क्या वही मीडिया अब जिंदा है। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कोबरा पोस्ट पे। और जानना सर आपसे, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि लोगों को लगता है कि, और ये कहा भी जाता है कि मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो और बड़ा विश्वसनीय तौर पर देखा जाता है मीडिया को। तो अब जो चीज़ें बदल रही हैं, जिस तरह से कोबरा पोस्ट की तहकीकात में चीज़ें सामने आई हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो ये धारणा बिल्कुल गलत है कि मीडिया डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है। मीडिया कभी डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर न रहा, न है और रहेगा भी नहीं। दरअसल मीडिया लोकतंत्र का प्रहरी है, और जब प्रहरी अपने को उसका मकान का या किसी भी संपत्ति का मालिक मानने लगे या उसमें हिस्सेदारी कर ले, तो आप समझते हो क्या स्थिति होगी जी। तो वही स्थिति आज मीडिया की है। जब से मीडिया में धारणा आई, और ये धारणा, मैं ये सोचता हूँ किसी नेता ने ही चापलूसी में कह दिया होगा कि मीडिया फोर्थ पिलर है जी। और उसे स्वीकार कर लिया गया कि अच्छी, जो मेरे तारीफ में होगा नेचुरली ना होते हुए मैं स्वीकार कर लूँगा जी, जी, जी। और उसी दिन से उसका पतन होता चला गया जी। मीडिया अगर लोकतंत्र का प्रहरी बना रहता तो शायद आज जो स्थिति है वो स्थिति ना होती। सर, जिस तरह से बात करते हैं कि विश्वास है, अब आम जनता को लगता है कि मीडिया में जो चीज़ उसने सुन ली है, देख ली है, वो पत्थर की लकीर मान ली जाती है, चाहे वो गलत हो, सही हो, मतलब जनता का ही बहुत ज़्यादा विश्वास मीडिया पे है। और कोबरा पोस्ट की जो तहकीकात में चीज़ें निकल कर सामने आई है वो उसके एकदम उलट हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भी मैं मानता हूँ कि गलतफहमी है कि अब भी पब्लिक को मीडिया के ऊपर बहुत विश्वास है। वो विश्वास धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। आज सिर्फ मनोरंजन के लिए लोग मीडिया वो देखते हैं, टीवी चैनल देखते हैं, या मनोरंजन के लिए अखबार देखते हैं, या उसमें से जो उन्हें लगता है कि ये सही है पॉइंट, उसे वो स्वीकार कर लेते हैं, बाकी वो स्वीकार नहीं करते। एक पत्रकारिता का एक वो है, कहना चाहिए काम, कि वो एक धारणा बनाता है पब्लिक में, और वो धारणा का जो गलत फ़ायदा या गलत इस्तेमाल कर रहा है मीडिया। आपने देखा होगा हर अखबार एक एडवोकेसी जर्नलिज्म में आ गया, उतर आया है। आज मैं देखता हूँ एडिटोरियल भी जब मैं पढ़ता हूँ तो वो निष्पक्ष नहीं होते, वो किसी एक पार्टी के नेता के होंगे, यहाँ तक कि उद्योगपति भी वो लेख लिखने लगे हैं। अब आप बताइए, जब कोई उद्योगपति लेख लिखेगा तो क्या वो निष्पक्ष होगा? बिल्कुल। क्या किसी पार्टी का नेता जब अग्र लेख लिखेगा या किसी भी तरह का लेख लिखेगा तो क्या वो निष्पक्ष होगा? तो पत्रकारिता कहाँ रह गई? ये सारी एडवोकेसी जर्नलिज्म है, और ये उसका ही नतीजा है पेड जर्नलिज्म का। और इसे लोग कहते हैं कि एडवोकेसी भी जर्नलिज्म में आती, पर मैं नहीं मानता, नाम दे दिया है, तो मैं तो एडवोकेसी जर्नलिज्म को ही कंडेम करता हूँ। और आज वो स्थिति हम सारे अखबारों में देखते हैं, मुझे तो कहीं कोई निष्पक्ष लेख दिखाई देता नहीं। एडिटोरियल तो पहले से ही, जो संपादकीय होते तो पहले से ही निष्पक्ष नहीं होते थे, कहीं ना कहीं अखबार की नीति उसमें झलकती थी। और अखबार की नीति का मतलब क्या है? अखबार की नीति का मतलब है कि हमने इस पक्ष को के पोषक हैं, हम इस पक्ष को फेवर करना है,
और आज वो जो अग्रलेख होते थे, जो पहले कभी पढ़ते थे और पढ़ के लोग बाग एक धारणा अपनी तैयार करते थे, विभिन्न वो पॉलिटिकल इशू हो या सोशल इशू हो या इकोनॉमिक इशू हो, तो एक धारणा बनाते थे, तो आज वो ख़त्म होता जा रहा है। और जो पत्रकारिता का धारणा बनाने का एक ड्यूटी थी वो ख़त्म होती जा रही है, लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया है और धीरे धीरे बिल्कुल छोड़ देंगे वो। सर को जर्नलिज्म में बहुत सारे साल हो गए हैं, मतलब एक कहते हैं कि एक उम्र गुजर गई, और अब जो आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिए बैठे हैं, बहुत सारा अनुभव है मीडिया का, प्रिंट में बहुत सारा काम किया है, तो सर एक सवाल ये है कि जब आपने शुरुआत की थी जर्नलिज्म में, तब का जर्नलिज्म कैसा था, और आज आप जर्नलिज्म को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, किस तरह से वक्त के साथ साथ पूरा दौर बदल गया है और जर्नलिज्म की एक शक्ल और पहचान जो होती है वो भी अपने आप साथ बदल गई है? देखिए, मैंने सबसे ज़्यादा काम जो किया है वो दैनिक जागरण में किया है, और दैनिक जागरण शुरू से ही एक सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पे चलता था, और दैनिक जागरण उस समय इस उसकी धारणा के लिए बदनाम भी था जी। ये सब होते हुए भी कभी भी मेरे काम में हमारे संपादक कम चेयरमैन कम मालिक नरेंद्र मोहन ने कभी, ये मेरा अपना अनुभव है जी, कभी टांग नहीं अड़ाई। ये जरूर कहते थे वो कि भाई जो भी समाचार आप या आपका रिपोर्टर दे रहा है जी, वो फैक्चुअल होना चाहिए, तथ्यात्मक होना चाहिए और एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। तो अगर अब सॉफ्ट हिंदुत्व की धारणा के खिलाफ भी वो समाचार जा रहा है, और उनके पास कई बार शिकायत भी गई, साहब ऐसा समाचार आपके पास आपके अखबार में जा रहा है, मुझसे उन्होंने पूछा कि क्या भाई ऐसा कुछ जा रहा है, मैंने कहा जा रहा है, मतलब बड़ा सीधा सीधी बात होती थी। तो कहते थे भाई बताओ क्यों कर रहे हो तुम वो, तो मैं उन्हें बताता था ये फैक्ट्स मेरे पास है जी। वो उनका कहना होता था कि भाई दूसरों का पक्ष भी ले लो, मैंने कहा साहब वो ले लिया, अरे तो जाने दो छापो, मतलब ये स्थिति थी उस व्यक्ति की जो बदनाम था इस मामले में। आज वो स्थिति नहीं है, और मैंने देखा है कि नरेंद्र मोहन जी जैसे व्यक्ति भी पत्रकारिता को अलग रखते थे और ओनरशिप को अलग रखते थे। उन्होंने कभी मालिक को, मालिक भी थे ना वो, कभी मालिक को पत्रकारिता के आड़े नहीं आने दिया। आज वो स्थिति नहीं है। जैसा कि एक सर ने बताया कि वो किस तरह से कद्दावर पत्रकार रहे, मतलब अपने मूल्यों पर डिगे रहे, कभी उन्होंने अपने इन सब चीज़ों को बीच में आड़े नहीं आने दिया, और जैसे कहते हैं खांटी पत्रकार जो होता है उस तरह के सर रहे हैं, हमेशा इनका व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही रहा है कि इन्होंने लीक से हटके और ज़िद बना के काम किया है। और सर जैसा कि आपने पहले बताया कि एडिटोरियल के बीच में कभी भी बिज़नेस नहीं आता था या मालिक या मैनेजमेंट नहीं आता था, लेकिन आज जब कोबरा पोस्ट ने एक इन्वेस्टिगेशन किया तो सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये आई है कि चाहे मालिकों से बात हुई, न्यूज़ चैनल के मालिकों से बात हुई, मैनेजमेंट से बात हो रही है, बिज़नेस के लोगों से बात हो रही है, लेकिन हमारे पत्रकार पुष्प शर्मा ने कहीं भी किसी एडिटोरियल के बंदे से बात नहीं की, बावजूद उसके हर आदमी उस चीज़ पे उस इन जो मांग रखी गई थी उन्हें मानने को राजी है। उसने कभी भी एक जगह ये नहीं कहा कि मैं पहले एडिटोरियल से मीटिंग करूंगा और अगर एडिटोरियल इन पॉइंट्स को चलाने के लिए राजी है तो मैं उन्हें पक्का चलाऊंगा। सबने कहा आप हमें इतना पैसा दे दीजिए तो आपका काम डन। क्या बिज़नेस जो देखता है पत्रकार, मतलब पत्रकार तो वो नहीं होता, जो बिज़नेस के लोग हैं या मैनेजमेंट के लोग हैं, क्या उन्हें इतना राइट होना चाहिए कि वो संपादकीय में जाकर इंटरफेयर करें, एडिटोरियल में जाकर इंटरफेयर करें? देखिए आपने दो तीन क्वेश्चन कर लिए। बिल्कुल, मैं पहले बताता हूँ आपको या मेरा जो मानना है, एडिटोरियल जो वर्ड लिया है, एडिटोरियल नाम का जो एक इंस्टीट्यूशन था मीडिया में जी, वो ख़त्म हो गया है। आज वो एडिटोरियल इंस्टीट्यूट को तहस नहस करने के बाद ही मालिकों को खुली छूट मिली है सब मुनाफा कमाने की है, और येन केन प्राकरण लाभ कमाने की, जिसकी वजह से आज ये मीडिया भ्रष्ट हुआ है। तो सबसे पहले एडिटोरियल पे आघात किया गया, एडिटोरियल इंस्टीट्यूशन ख़त्म किया गया, और जब एडिटोरियल इंस्टीट्यूशन था तब स्थिति ये थी कि संपादक ही एडिटोरियल का जीएम होता था, सीएम जीएम जो भी था,
वही होता था, किसी भी मैनेजमेंट के कोई भी व्यक्ति एडिटोरियल में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, किसी रिपोर्टर से जवाब तलब नहीं कर सकता था, जो भी बात करता एडिटर से करता और एडिटर ने जो कर दिया फाइनल कर दिया। आज वो स्थिति नहीं है, आज तो भाई एडिटोरियल, सो कॉल्ड एडिटोरियल कहूँगा मैं, उसके ऊपर देखिए कितने डिपार्टमेंट हावी है, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एचआर, और इन सब के ऊपर जो जीएम, सारे मैनेजर से लेके सीजीएम तक, ये सब हावी, ये सब तय करते हैं कि एडिटोरियल को किस डायरेक्शन में हमने चलाना है। एडिटोरियल के पास वो सारी शक्तियाँ ख़त्म कर दी गई जो कभी हुआ करती थी, और यही एक बहुत बड़ा कारण था रास्ता साफ करने का। अगर एडिटोरियल आज भी जिंदा होता तो ये स्थिति नहीं आती, आपके रिपोर्टर ने सही करा, एडिटोरियल से बात करके करता भी क्या हो, आपका रिपोर्टर एडिटोरियल से बात करके करता भी क्या, पावर्स नहीं थी उसके, पावर्स नहीं थी, पावर सारी बिजनेस पे चली गई है, सारी पावर्स तो बिजनेस में मार्केटिंग पे चली गई, सारी पावर्स तो ब्रांडिंग पे चली गई है, सारी पावर्स तो मैनेजमेंट पे चली गई है, तो ठीक करा उसने, यही करना चाहिए था। अगर वो मान लिया एडिटोरियल से बात करता तो बेचारे संपादक को झूठ बोलना पड़ता, अपने वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं स्थापित करने के लिए जी। तो ये अच्छी ही पहल थी उसकी। अच्छा, एक और सवाल सर ये है कि जिस तरह से इतना बड़ा एक खुलासा हुआ है, और कहा यह जा रहा है कि देश के इतिहास में पहली बार इंडियन मीडिया को लेकर एक बहुत बड़ी खुलासा हुआ है, बड़ा एक्सपोजर है, बड़ी इन्वेस्टिगेशन है एक मीडिया के अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, कोबरा पोस्ट ने जो एक पहल की है, तो सर आने वाले टाइम में जैसे कि एक तो होता है मिथ, एक तो होता है फैक्ट, तो अब तक लोगों को मिथ था कि भाई जो मीडिया में वो देख रहे हैं, चैनल्स पे जो देख रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जो भी वो दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक विश्वास टूटा है लोगों का कहीं ना कहीं कि नहीं भाई चैनल्स भी ऐसे कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स में पैसे देके खबरें छपवाई जाती हैं, बायस्ड होते हैं, बायस्ड जर्नलिज्म का दौर चल गया है। तो आने वाले टाइम पर अब जब लोगों का ये विश्वास टूटा है, आप कैसे देखते हैं लोगों को, कैसे विश्वास जो यूथ है हमारा वो मीडिया को कैसे देख पाएगा? देखिए इसमें दो चीज़ है, एक तो जो पुराना रीडर या व्यूअर्स है जी, वो तो ये बात जानता है कि जो मीडिया दिखा रहा है वो मीडिया, वो उसमें पत्रकारिता नाम की चीज़ नहीं है, वो केवल मीडिया है, एक निर्जीव माध्यम है। मेरा मानना है कि पत्रकारिता निर्जीव नहीं होती जी, वो लाइव होती है, जीवंत होती है वो। और जो नया वो आ रहा है रीडर या व्यूअर जो आ रहा है, वो तो इसी माहौल में पला है, इसी माहौल को देखा है, वो तो सोचता होगा कि यही है सब, एक ही बड़ी वो विडंबना है। और जो नया पाठक और दर्शक आ रहा है उस तक हम अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे। अब आपकी कोबरा पोस्ट की बात है, बहुत अच्छी पहल है, बहुत बोल्ड स्टेप लिया, पर दिक्कत कहाँ मैं सोचता हूँ, दिक्कत यह है कि कोबरा पोस्ट आम व्यक्ति के पास तक नहीं पहुँच रहा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो तुमने पहल की है, ये जो एक बड़ा क्रांतिकारी कहूँ मैं, क्रांतिकारी कदम उठाया है, इसे किस तरह से आम आदमी के पास तक पहुँचाया जाए ताकि वो समझ सके कि स्थिति क्या है, क्या होनी चाहिए और क्या थी। बिल्कुल, कानून को तो दोष नहीं दिया जाएगा, एक फ्लेक्सिबिलिटी है देश के कानून ने, सबको हक दिया है अपनी बात रखने का, अपनी बात बोलने का, और जाहिर सी बात है उस हक को वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और बात सर कि कोबरा पोस्ट ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है, बड़ी तहकीकात की है, और ऐसे में एक जर्नलिस्ट हैं आप सर, एक पुराने जर्नलिस्ट रहे हैं, तो आप इसे कैसे देखते हैं, मतलब आपको कैसा लगता है कि एक आज के दौर में भी एक ऐसा पत्रकार जिंदा है, एक ऐसा मीडिया ग्रुप जिंदा है जो मीडिया के अगेंस्ट, और बड़े नाम खासकर जिसकी उम्र बीत गई उनके साथ काम करते हुए, और आखिरकार उसे उनके अगेंस्ट भी कुछ दिखाना पड़ा, तो कितना बड़ा इनिशिएटिव आप मानते हैं कोबरा पोस्ट का? आज जो स्थिति है मीडिया की जी, बहुत ही बदतर स्थिति है, और इस बदतर स्थिति में भी मैं
आशावादी हूँ। कुछ लोग हैं अभी भी जिनमें आपका कोबरा पोस्ट भी है, जो इस तरह का इनिशिएटिव लेते हैं, और यही धीरे धीरे बदलाव करेगा। और जैसे मैंने कहा कोबरा पोस्ट के इस कवरेज के बारे में, इस पूरे मूवमेंट के बारे में, तो मैंने कहा कि स्वागत योग्य है, बहुत ही साहसिक कदम है आज की स्थिति में, लेकिन बस थोड़े से कमी है तो वो यही है कि जनमानस तक ये सारी बात नहीं पहुंच पाती। अब ये देखें ना, मैंने भी अभी देखा नहीं है आपका चैनल है। एक दिन किसी ने व्हाट्सएप पे, वो विनोद दुआ जी हैं, कोबरा पोस्ट की इस मूवमेंट के बारे में बोल रहे थे, वो किसी ने व्हाट्सएप पे डाल दिया मेरे जैसे आदमी ने, मैंने उस पर देख लिया जी। तो जब मेरे जैसा आदमी भी वहाँ तक नहीं पहुँचता या पहुँचने की कोशिश नहीं करता जी। तो आप ये सोचिए कि आम आदमी तक इसकी पहुँच कैसे होगी। बिल्कुल, यही थोड़ा सा वो है जी सर। अब मैं नहीं जानता आपके रिसोर्सेज कितने हैं, क्या है इसकी, जो व्यक्ति इंटरनेट यूज कर सकता है जी। कम से कम उस तक तो बात पहुंचाई जाए। बिल्कुल सर। और मीडिया, ये सो कॉल्ड मीडिया तो आपकी बात पहुंचाएगा नहीं जी। और भाई जब उसके खिलाफ लिखोगे तो भाई वो भी कुछ करेगा ही। तो आपको अपने ही रिसोर्सेज से वो बात पहुंचानी होगी जी। और जब तक आप नहीं पहुंचाओगे तब तक इस तरह के साहसिक कदमों का कोई बहुत जल्दी से कोई लाभ नहीं मिल, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपको करना होगा जी। तो राजेंद्र त्यागी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मीडिया का बड़ा नाम रहे हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारा अनुभव है, उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने बताया किस तरह से कोबरा पोस्ट ने एक बड़ा इनिशिएटिव लेके एक मीडिया के अगेंस्ट भी एक ऑपरेशन चलाया, दिखाया ताकि सच्चाई सामने आ सके। लोगों के दिमाग में जो मिथ है कि हाँ वो जो चैनल्स पर देखते हैं, जो अखबारों में पढ़ते हैं, वो बिल्कुल एकदम सही है, तो ऐसा नहीं है। पेड मीडिया किस तरह से चैनल चला रहे हैं ये हम आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन में दिखा चुके हैं। और आज जिस तरह से हमने त्यागी जी से बात की है, उन्होंने बताया है किस तरह से मीडिया एक बदलते दौर में है, टाइम के साथ साथ अपना अस्तित्व कह सकते हैं कि खोता जा रहा है इंडियन मीडिया, और शायद ज़रूरी कुछ इनिशिएटिव हमें टाइम रहते लेने पड़ेंगे, वरना जो स्थिति है वो और ज़्यादा विकट हो सकती है। तो जाहिर सी बात है आपको ये बातचीत बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको भी ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।